नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई, जिन कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले एक साल से लगभग जो है आंदोलन कर रहे थे, उन तीनों कृषि कानूनों को जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों वापस लेने की घोषणा की है, रद्द करने की घोषणा की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो है कोई भी कानून वापस कैसे लिए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो दोस्तों बोल दिया गया, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कानून को वापस लेना ऐसे ही समझो जैसे कोई नया कानून बनाया जाता है, उसी टाइप की प्रोसेस पूरी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले जो है बिल पेश किया जाएगा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके बाद दोस्तों बहुमत से दोनों सदनों में ये बिल जो है पारित होगा। उसके बाद में दोस्तों ये बिल जो है राष्ट्रपति की के सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर मोहर के लिए जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी होते ही ये जो है कानून बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिल को जो वापस करने की प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही है जैसे कोई नया कानून बनाया जाता हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको कोई भी जो तीन कृषि कानून जो वापस हुए हैं उनकी क्या प्रोसेस रहेगी वापस होने की, ये मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।